स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CSC ऑल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम रेलवे के वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, रेलवे इंजन कारखाना में जो है अप्लाई एंड ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। देख सकते हैं जो आपका निकाले गए हैं बनारस में, तो BLW में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। रेलवे इंजन कारखाना 10th क्लास से आपका पास फॉर्म है, और SC ST और फीमेल के लिए कोई भी यहाँ पे फीस नहीं रखी गई है। अभी आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे BLW अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023, इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं। चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों, इसकी फ़ीस की बात करें, जनरल OBC डॉलर्स वालों के 100 रुपये फीस है। अगर SC ST है तो 0 बैलेंस आपका कोई भी फीस नहीं लगेगी। अगर आप फीमेल है जब भी कोई भी फीस नहीं है, ओनली मेल वालों की फ़ीस है जनरल OBC डॉलर्स। 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, 25 नवम्बर लास्ट डेट रखी गई है शाम के 5 बजे तक। 15 साल से 22 साल आपकी ITI नॉन ITI वाली चलेगी। अगर आप ITI से फॉर्म को अप्लाई करें तो 24 तक आपकी चल जाएगी। बाकी जो छूट मिलेगी वो मिलेगी। 374 आपकी पोस्ट निकाली गई है। ITI से आपकी 300 है, नॉन ITI की 74 वैकेंसी निकाली गई है। 10th क्लास से होना चाहिए और 10वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए, ये आपके दे रखे हैं। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछाएगा अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई का प्रकार, तो अगर आपको ITI से करना है तो ITI वाला चुनेंगे, नहीं तो आप नॉन ITI के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम डालना है, जो भी आपका नाम है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप नाम डालेंगे अपना। उसके बाद आपको पिताजी का नाम डालना है अपने, जो भी आपके पिताजी का नाम है। उसके बाद आपको अपनी मम्मी जी का नाम डालना है, मदर का नाम, जो भी 10th की मार्कशीट में नाम है। उसके बाद दोस्तों आपको डालना है जेंडर, आप सेलेक्ट करें मेल है फीमेल है। उसके बाद जाति आपकी कौन सी है वो सेलेक्ट करेगा। अगर आप जनरल समुदाय से जनरल चुनेंगे, उसके बाद अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्स सर्विस मेहनत देख लीजिए, नहीं तो नो रखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिव्यांग है तो आप यस कीजिए, और दिव्यांग का प्रकार आप चुनेंगे, नहीं तो आप इसे नो रखेंगे। उसके बाद आपसे मोबाइल, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर पूछी गई है, तो डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करें। उसके बाद यहाँ पे चेक एज इजिबिलिटी आपको इस पर क्लिक करना है। यू हैव इजिबिलिटी ऑफ द एक्टिव अप्रेंटिस, तो अगर आपका ये इसमें डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका ये फॉर्म अप्लाई के लिए होएगा तो यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, दोबारा से ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पर 10th की डिटेल डालना है। सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे, जिस बोर्ड से हाई स्कूल की है। उसके बाद पासिंग ईयर आपकी कब थी वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको रोल नंबर अपना डालना है हाई स्कूल का। उसके बाद आपका यहाँ पर ग्रेड है या CGPA पे है, अगर ग्रेड है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, उसके बाद कितने नंबर आपके हाई स्कूल में आया वो डालेंगे, परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद ये कैप्चर आप डालेंगे और यहाँ पर क्लिक करेगा और सबमिट का आपको ऑप्शन मिलता है, आप सबमिट कर देंगे एक बार चेक करने के। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है मेरा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आ चुका है, यहाँ पर लिख रहा है योर बीन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। अब मुझे यहाँ पर क्या है, 100 रुपये की अमाउंट यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अमाउंट कैसे पे करनी है वो आपको हम बताने वाले हैं। दोस्तों, पेमेंट कैसे करनी है वो समझ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, आपका यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है। अब यहाँ पे 100 रुपये अमाउंट आ चुका है, यहाँ पे नाउ का ऑप्शन मिल रहा है, आपको पे नाउ पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, डिटेल उसकी डालना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालेंगे, कंट्रोल नंबर जो आपको मिला है वो डालेंगे, उसके बाद नाम डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आपकी 100 रुपये की अमाउंट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे फिर से आपको नाम डालना है, अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे ये टिक कर देंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चर आप यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ यहाँ पे इस तरह से डिटेल आ जाएगी, एक बार आप चेक कर लेंगे यहाँ पे जो जो आपने डिटेल डाली है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
अभी दोस्तों देख सकते हैं अमाउंट का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब आपको यहाँ पे अपना SBI डेबिट कार्ड से करनी है, अदर नेट बैंकिंग से करनी है, या रुपया कार्ड से करनी है, जिससे भी आपको पेमेंट करनी है पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट करना बड़ा आसान है, तो पेमेंट मैं करने वाला हूँ। पेमेंट करने के बाद किस तरह का इंटरफेस आएगा वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों पेमेंट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये आपके लिखा हुआ आएगा, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुल कम्प्लीट। आपका जो है रजिस्ट्रेशन मतलब कि पेमेंट जो है कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं यहाँ पे भी राइट लग चुका है, यहाँ पे भी, और कंप्लीट पेमेंट आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है स्लिप आप ले सकते हैं प्रिंट लास्ट पे। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको लॉगिन करना है। दोस्तों पेमेंट होने के बाद देख सकते हैं मैंने जो है 24 घंटे पहले इसे 24 घंटे पहले इसकी पेमेंट की थी, बट अब जो है पेमेंट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ऑलरेडी अपना आप ही जो है ड्यू ट्रांजेक्शन ID, ट्रांजेक्शन डेट, पेमेंट फी स्टेटस सक्सेसफुल आ रहा है। तो देख सकते हैं पेमेंट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, अपना एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है। अगर आपका ये पत्राचार का पता और स्थायी पता अगर आपका एक है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं तो आपका अलग अलग है तो अलग अलग आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, हाई स्कूल की 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए JPG। और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और टिक करने के बाद फिर आपको ये कैप्चर है, आपको ये जो कैप्चर है आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे दोस्तों क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने फ़ोटो सिग्नेचर और 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देख सकते हैं आपका प्रिंट आउट आ चुका है, ये आपकी जो है कंप्लीट जो है डिटेल आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसे यहाँ से प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करने के बाद अगर आपके पास प्रिंटर है मौजूद तो आप इसके साथ के साथ इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नहीं तो आप इसे सेव करके अपने पास भी सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं भारतीय बनारस रेल इंजन कारखाना के अपलाइन ऑनलाइन, मैंने बता दिया दोस्तों कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों इस तरह से आप फॉर्म फिल कर लीजिए जैसे जैसे मैंने बताया। फीस पेमेंट कैसे बताया करना है वो भी आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में, पेमेंट वगैरह भी बता दिया कैसे कैसे करना है। तो पेमेंट होने के बाद आपका 24 घंटे बाद आपको जिस दिन आप पेमेंट करोगे उसी अगले दिन आप उस दिन ट्राई करोगे तो पेमेंट आपका जो है खुद ही ऑटोमेटिक आपका ऑलरेडी हो जाएगा पेमेंट। ठीक है दोस्तों, सक्सेसफुल, तो आप चेक कर लेना पेमेंट करने के बाद। ठीक है दोस्तों, 24 घंटे बाद आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह से भारतीय रेल बनारस रेल इंजन कारखाना वाराणसी का फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करना मैंने बता दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से वॉच कर रहे हो। बाकी आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पहली बार आ रही, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।